नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन 8 जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका जो है पार्ट 1 हम लोगों ने खूब अच्छे से जाना था, जिसमें कि हमने वहां पे जाना क्या रोग क्या होता है, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, और रोगजनक क्या होते हैं, रोगवाहक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से प्रीवियस सेशन में बात कर लिया था। उसके बाद से हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में जान रहे थे हम लोग, जो कि मनुष्य में होता है वह डिसीज़। ये विषाणुओं के कारण होता है, यानी कि वायरसेस के कारण होता है, बैक्टीरियाज के कारण होता है, कवकों के कारण होता है, या प्रोटोजुअन के कारण होता है, जहाँ पे हम लोगों ने बैक्टीरिया तक जान लिया था कि बैक्टीरिया के कारण मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में, उसके रोगजनक के बारे में जाना था, और वह किस कारण से होता है इसके भी बारे में हम लोगों ने वहाँ पे खूब अच्छे से जान लिया था। इतनी बातें जो है हम लोग कर लिए थे, यानी कि विषाणु के कारण जो डिसीज होते हैं और बैक्टीरिया के कारण जो डिसीज होते हैं इसके बारे में हम लोग वहाँ पर जान लिए थे। आज हम जानेंगे, वहीं से कुछ आगे जानेंगे, यानी कि आज कवकों के बारे में जान लेंगे, उसके साथ साथ जो प्रोटोजुआन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोजुआ है जो हम लोगों के शरीर में कौन कौन से डिसीज उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद से जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में विस्तार से हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, क्या करने पर होगा, क्या करने पर नहीं होगा वह रोग, कैसे उन रोगों से बचा जा सकता है, ये सारी बातें जो है आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी कि बेल आइकन को टच करेंगे तो 3 कॉलम आएंगे जिसमें ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, और आज हम जानेंगे कवकों से उत्पन्न संक्रामक रोग के बारे में। अगला जो पॉइंट होगा, कवकों से उत्पन्न रोग, यानी कि कवकों द्वारा होने वाला रोग। इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में जान लिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है और विषाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे किसके द्वारा, तो कवकों से उत्पन्न रोग, तो उसी तरह से हम लोग कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रोग यानी कि डिसीज, और यहाँ पर लिखेंगे उसके कारण होने वाला रोग, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा रोगजनक, रोगजनक या कारक, और उसके बाद से यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, तो संक्रमण विधि, यानी कि यह कैसे फैलता है, संक्रमण विधि, संक्रमण विधि। ठीक, तो अब जो यहाँ पे पहला रोग होगा इसमें वह है दाद, इसको बोला जाता है रिंग वार्म, रिंग वार्म। यानी कि दाद क्या है, तो शरीर पर जो है गोल चकते बन जाते हैं और वहाँ से खुजली होती है, तो इसी को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, दाद है या रिंग वार्म है, यानी कि यह रोग कौन सा है, दाद या रिंग वार्म है। ये किस कारण होता है, जिस कवक के कारण होगा वह है क्या, तो ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, यानी कि ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से जो है ये रोग होता है दाद, यानी कि रिंग वार्म। उसके बाद से इसकी संक्रमण विधि क्या है, कैसे फैलता है, तो त्वचा के संपर्क से, यानी कि जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ है उससे कोई उसकी त्वचा के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो उसे भी यह रोग हो जाता है, यानी कि त्वचा के संपर्क से ये जो है फैलता है, इसलिए जो है कहा जाता है किसके बारे में, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। यदि प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, अपना तावेल या अपना कंग जो है यूज करते हैं, किसी दूसरे के दूसरे से उसे शेयर नहीं करते हैं, तब जो है
हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, यदि दूसरे का तावेल यूज़ किए या दूसरे के कंघ जो है यूज़ किए, और इस कारण जो है क्या होगा, उसमें उपस्थित इस रोग का जो भाग है यानी कि रोगजनक है वो आ जाएगा और स्वस्थ व्यक्ति को भी उसको यही रोग दे देगा। तो इस कारण जो है तावेल या कंघ हो गया या अन्य जो व्यक्तिगत वस्तुएं यूज वाली होती हैं उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको जो है एक ही व्यक्ति के लिए वह है, यानी कि जो व्यक्ति यूज कर रहा है वही करे, कोई दूसरा ना करे। अगला जो रोग था क्या, दाद, और ये जो है जिस रोगजनक के कारण होता है वो टाइकोफाइटोन नामक कवक, और कैसे होता है तो त्वचा के संपर्क से। और अगला जो रोग होगा वह जो होगा यहाँ पे इसी एक कवक के कारण होने वाले रोग से के बारे में हम लोगों को जानना था, और जो क्या था, दाद था। आगे हम जानेंगे यह प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें कि हम लोगों को पहला पढ़ना है अमीबी पेचिस, और इसी को जो है अमीबी डिसेंट्री बोला जाता है इंग्लिश में, अमीबी डिसेंट्री, और जिस कारण से होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और ये कैसे फैलता है, ये जो है शरीर में कैसे फैलता है, तो दूषित जल व भोजन के प्रयोग से, दूषित जल व भोजन से, यानी कि दूषित जल व भोजन करने से जो है यह रोग जो है व्यक्ति में आ जाता है, यानी कि उस दूषित जल में इसके जो प्रोटोजोअन है उपस्थित होते हैं, और उसका उपयोग यदि स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। कौन सा, तो अमीबी पेचिस यानी कि अमीबी डिसेंट्री, जिस कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, और ये फैलता है कैसे, तो दूषित जल व भोजन से। आगे जो है हम जान लेते हैं अगला रोग जो है क्या, मलेरिया। और यह जिस प्रोटोजोअन के कारण होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और कहा जाता है मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, सही बात है मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन इसका कारक क्या है, रोगजनक क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, मच्छर के लार्वा में ये प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है। और मच्छर यदि किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, किसी व्यक्ति को काटता है, तो ये प्लाज्मोडियम उस मच्छर से व्यक्ति में चला जाता है और उसमें रोग उत्पन्न करता है, जो कौन सा रोग है, मलेरिया, यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसको लेकर के आता है मच्छर, और कौन सा मच्छर आता है, तो मादा एनाफिलीज, यानी कि कैसे होगा, मच्छरों के काटने से, और कौन सा मच्छर होगा, तो उसका नाम है मादा एनाफिलीज। ये बात याद रखनी है कि मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो कौन सा रोग होता है, मलेरिया, क्योंकि इस मच्छर के लार्वा में जो है, ये एक मच्छर है, ये जो है एक मच्छर है, और इसके लार्वा में यहाँ पे जो है ये प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है इसके लार्वा में, और जब काटता है तो इसी के साथ मनुष्य में ये चला जाता है प्लाज्मोडियम, और मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, और उस रोग का क्या नाम है, तो मलेरिया। तो यहाँ पे दो रोग हम लोगों को पढ़ने हैं, प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग में, संक्रामक रोग में, एक अमीबी पेचिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोअन से होता है, और दूसरा मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन से होता है। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हेलमिंथीज से होने वाला रोग, किससे, तो हेलमिंथीज से होने वाला रोग या उत्पन्न रोग, इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से ये रोग हैं। तो इसमें पहला रोग आएगा एस्केरियोसिस,
एस्केरियोसिस, और यह जिस कारण होता है, जिस हेलमिंथीज के कारण होता है, हेलमिंथ के कारण होता है, उसका नाम है क्या? तो एस्केरिस। एस्केरियोसिस जो है एस्केरिस नामक हेलमिंथीज के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। यह कैसे आता है हम लोगों के शरीर में? तो ये जो है दूषित भोजन व जल से, और आता कैसे है? तो दूषित भोजन व जल द्वारा, दूषित भोजन व जल द्वारा, यानी कि दूषित भोजन व जल के प्रयोग से जो है एस्केरिस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और एस्केरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। यानी कि इस दूषित भोजन व जल में इसके जो सूक्ष्म जीव है एस्केरिस जो है इस दूषित भोजन व जल में उपस्थित होता है, और जैसे ही मनुष्य उस भोजन को करता है मनुष्य में यह सूक्ष्म जीव आ जाता है, और जिस कारण की रोग होता है एस्केरिस। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य के जो पेट में है वो केचुए पड़ गए हैं, और केचुए ये अर्थवार्म नहीं है जो कि हम लोग देखते हैं भूमि पर जो चलते रहते हैं, ये नहीं है, ये जो है वही एस्केरिस है। एस्केरिस जो कि रोग उत्पन्न किया हुआ है एस्केरियोसिस, वही एस्केरिस होता है, और यही जो है हम लोगों की आंतों में आ जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पेट में केचुआ पड़ गया है। ठीक, दूसरा रोग जान लेते हैं जो है फाइलेरियोसिस। दूसरा फाइलेरियोसिस, इसी को जो है हाथी पाव कहा जाता है, हाथी पाव, या इसी को एलिफेंटियासिस कहा जाता है, एलिफेंटियासिस। ये हाथी पाव कह लिया जाए या एलिफेंटियासिस कह लिया जाए, और यह जिस हेलमिंथीस के कारण होता है उसका नाम है क्या? विचरेरिया। विचरेरिया, विचरेरिया के कारण जो है ये होता है विचरेरिया वन क्रॉफ्टी, और इसको जो है बुकहरेरिया भी कह लिया जाए, या विचरेरिया कहा जाए, या वाउचरेरिया कहा जाए, ये कई नाम से जो है इसको हम पढ़ सकते हैं। और यह किस कारण होता है? तो यह भी होता है मच्छरों के काटने से, मच्छरों के काटने से। और किस मच्छर के काटने से, किस मच्छर के काटने से ये रोग होता है जो है क्या? फाइलेरियोसिस यानी कि हाथी पाव, उस मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। इस रोग में क्या होता है कि यदि किसी को भी ये रोग हो जाता है तो पैर जो है फूल करके हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसलिए जो है इसको नाम दे दिया गया एलिफेंटियोसिस या हाथी पाव। विस्तार से इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि इसका संक्रमण कैसे होता है। आगे हम जान लेते हैं अगला रोग जो है क्या? टिनियोसिस। अगला रोग है क्या? तो टिनियोसिस, टिनियोसिस, और यह जिस कारण से होता है उस सूक्ष्म जीव का नाम है, या उस हेलमिंथीज का नाम है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? तो जिसको भी ये रोग हो गया रहता है इसके जो जीव होते हैं हम लोगों की आंत में चले जाते हैं, और जिस कारण से जो है आंतों में ये लंबे लंबे आकार के दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि चाउमीन होता है उस तरह से, और इसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है जिससे कि पेट दर्द होता है, और किसी किसी कंडीशन में जो है इसका जो है ऑपरेशन के द्वारा उन्हें काट करके बाहर निकालना भी पड़ जाता है। इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है। टिनिया सोलियम क्या होता है कि हमारी आंतों में चला जाता है। कैसे आता है? तो ये जो है सुअर के अधपके मांस खाने से,
इसकी संक्रमण विधि क्या है? तो सुअर के, कौन सा सुअर? तो संक्रमित सुअर के अधपके मांस खाने से, संक्रमित सुअर के अधपके जो मांस है उसे खाने से जो है ये रोग हो जाता है। कौन सा? तो टीनियोसिस, क्योंकि संक्रमित सुअर में ये टीनिया सोलियम होता है और व्यक्ति यदि इसे खाता है तो उसके शरीर में चला जाता है, जिस कारण के वह आंतों में उसकी बहुत अधिक संख्या हो जाती है और जिस कारण से आंतों में ऐंठन और दर्द उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही तेज दर्द होता है जिस कारण से कभी कभी जो है इसको जो है ऑपरेशन के द्वारा काट करके बाहर निकाला जाता है। जैसे कि एक बार एक न्यूज़ में आया हुआ था टीवी चैनल पर कि एक व्यक्ति के पेट में से काट करके डॉक्टरों ने क्या निकाला है, तो चाउमिन निकाला है। वो चाउमिन नहीं था वहाँ पे, यही जीव था। कौन सा? तो टीनिया सोलियम। और ये जिस तरह से ये होता है उसी तरह से एस्केरियोसिस भी होता है, दोनों जो है एक ही जैसे होते हैं। इसको कहा जाता है कि पेट में केचुआ पड़ गया। इसकी संख्या जो है ज़्यादा नहीं होती, इसकी संख्या एक दो हो सकती है, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में वृद्धि करता है आंतों में। कौन? टीनिया सोलियम। और रोग उत्पन्न करता है कौन सा? तो टीनियोसिस। तो इतनी सारी बातें जो है आप लोग समझ लिए होंगे रोगों के बारे में, और इसका जो चार्ट हम बनाए हैं उस तरह से आप लोग चार्ट बना लीजिएगा और उसके अनुसार जो है आप लोग अध्ययन कीजिएगा। और याद रखिएगा कि वह रोग किस कारण से हो रहा है, उसका रोगजनक क्या है, रोग क्या है, रोगजनक क्या है और कैसे फैल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में पूछता है। अब जो है हम डिटेल्स में एक एक रोग करके अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हम एक एक रोग पढ़ते हैं। जो जितने भी सारे हम यहाँ पे रोगों के बारे में बताएं, ये सारे रोग जो है मनुष्य में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के रोग हैं, और ये जो है मनुष्य को विभिन्न प्रकार से अस्वस्थ कर देते हैं। उन्हीं रोगों के बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे जो मुख्य है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है। तो पहला रोग जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो क्या है, मलेरिया। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका रोगजनक क्या है, मलेरिया का रोगजनक क्या है। तो पहले भी हम बता चुके हैं इसके रोगजनक के बारे में। तो इसका जो रोगजनक है, रोगजनक वह है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटोजुअन है, यानी कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। ये आता कैसे है? तो मच्छरों के काटने से, यानी कि मच्छरों के लार्वा में ये प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज, और उसके काटने से जो है यह मनुष्य के शरीर में आ जाता है और रोग उत्पन्न करता है मलेरिया। तो इस रोग के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? तो प्लाज्मोडियम, और जिसके कारण आता है उसको रोगवाहक कहेंगे। और रोगवाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही यह रोग होता है। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पे रोगजनक यानी कि पैथोजेन कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियाँ मौजूद है, और उन प्रजातियों का मनुष्य के शरीर में आ जाने से जो है यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कुछ प्रजातियाँ जो है उतनी घातक नहीं होती हैं इस प्लाज्मोडियम की, लेकिन कुछ की जो प्रजातियाँ होती हैं वो ज़्यादा ही घातक होती हैं। तो कई प्रजातियाँ होती हैं जिसमें से चार प्रजातियों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, प्लाज्मोडियम की चार प्रजातियाँ, जिसमें पहली जो प्रजाति है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स।
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद से दूसरी जो प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल यानी कि पी ओवेल। उसके बाद से अगला जो प्रजाति है वो क्या है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सी फेरम यानी कि पी फैल्सी फेरम। उसके बाद से जो चौथा है वो क्या है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया यानी कि पी मलेरिया। तो चार प्रजातियां पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम की, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मोवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब इसमें जान लेते हैं सबसे घातक कौन सा है, सबसे घातक। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है सबसे घातक है, इसका शरीर में आ जाने पर व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। यानी कि सबसे घातक जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसको जो है मैलिग्नेंट मलेरिया के भी नाम से, ये जो है शरीर में आ जाता है तो इस रोग को मैलिग्नेंट मलेरिया के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो वीर बहादुर सैनिक है वो जो है जंगलों में पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे वो जो है दुश्मनों से नहीं डरते हैं लेकिन इस मच्छर से जो है डरते हैं। मच्छरों के काटने से ये रोग होता है और ये ऐसा रोग है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो ऐसा प्लाज्मोडियम है जो शरीर में आता है तो कुछ दिनों पश्चात ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से जो सैनिक हैं अपने शरीर पर जो है नेट करके पेट्रोलिंग करते हैं, पूरे शरीर को नेट कर लेते हैं, नेट से ढक लेते हैं, उसके बाद से पेट्रोलिंग करते हैं ताकि मच्छर ना आए और उसके काटे ना और इस तरह का रोग उसे उत्पन्न ना हो। तो इसलिए वो जो है नेट पहन करके जो है क्या करते हैं, तो पेट्रोलिंग करते हैं। आगे हम जान लेते हैं इसका रोगवाहक क्या, तो रोगवाहक रोगवाहक तो इसका रोगवाहक अभी बताया गया कि मच्छर है कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसका रोगवाहक है और इसकी लार ग्रंथियों में यह परजीवी उपस्थित होता है। मादा एनाफिलीज के लार ग्रंथियों में जो है यह परजीवी उपस्थित होता है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो है इसकी जो लार ग्रंथि है, ये जो है लार ग्रंथि है, उसके बाद से मनुष्य के कहीं पर भी यह जब काटता है तो काटने के साथ ये जो यहाँ पे इसके लार्वा में उपस्थित है कौन, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन, वह आ जाता है मनुष्य के शरीर में और मनुष्य के शरीर में आ जाता है जैसे ही यह मच्छर, मादा मच्छर, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर जो है हमें काटता है तो हमारे शरीर में यह पहुँच जाता है और यह चलते चलते जो है हमारी यकृत की कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ पे, तो यकृत की कोशिकाओं में, ये जो है हमारी यकृत की कोशिकाओं में चला जाता है
और वहाँ पे यकृत की कोशिका में एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसका नाम है कफर सेल। जैसे कि यहाँ पे सेल है, ये कौन सा है? तो कफर सेल, कफर सेल। और कफर सेल में यह पहुँच जाता है कौन? तो ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यहाँ से आया और उसके बाद से पहुँच गया हम लोगों के सेल में, कौन सा? तो कफर सेल में, कफर कोशिका में यह जो है पहुँच जाता है और वहाँ पे यह अपनी संख्या बढ़ाता है। जब कफर सेल में यह संख्या बढ़ाता है, बहुत अधिक संख्या करता है, तो जिस कारण से कफर सेल फूल जाता है, जिस कारण से कफर सेल जो है फूल जाता है और फट जाता है, और फटने के कारण ये जो परजीवी है बाहर आता है और आने के बाद पहुंच जाता है हम लोगों के आरबीसी में, ब्लड में, ब्लड में पहुंच जाता है, यानी कि आरबीसीएस में पहुंच जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में पहुंच जाता है। और वहां पे जो है एक प्रकार का विषैला पदार्थ जो है निकालता है, उस टॉक्सिक पदार्थ निकालता है जो है क्या? हीमोजोइन। एक प्रकार का विषैला पदार्थ निकालता है जो है क्या? हीमोजोइन, हीमोजोइन। और एक आरबीसी में आया और यहाँ पर भी अपनी संख्या बढ़ाया। जब अपनी संख्या बढ़ा लिया तो क्या करेगा? आरबीसी को, आरबीसी की सेल्स को तोड़ देगा, जिस कारण से बाहर निकलेगा और दूसरी आरबीसी में पहुँचेगा, दूसरी रेड ब्लड कार्पल्स में पहुँचेगा। यानी कि यह क्या करता है कि कफर सेल पर आक्रमण किया और वहाँ से पहुँच गया आरबीसी में और आरबीसी को आक्रमण किया, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स को आक्रमण किया और वहाँ पे जो है यह अपनी संख्या बढ़ाता है, जिस कारण से जो आरबीसी जो है सेल्स होती हैं फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वहाँ पे जो है एक प्रकार का टॉक्सिक पदार्थ भी उत्पन्न होता है जिसका नाम है हीमोजोइन, और जिस कारण से आरबीसीएस की संख्या में बहुत भारी मात्रा में गिरावट आती है। यानी कि यहाँ पे जो टॉक्सिक पदार्थ आ रहा है, इस कारण से जो है इस रोग का लक्षण हम लोगों के शरीर में उत्पन्न होता है, जो क्या है? तो हीमोजोइन के कारण ही हम लोगों के शरीर में कपकपी और तेज बुखार आता है। यानी कि जिसको ये रोग हो जाता है उसमें जो है क्या होता है? हीमोजोइन के कारण ही कपकपी और तेज बुखार आता है। और आरबीसीएस की संख्या में कमी आने लगती है, भारी गिरावट आने लगती है, और यदि समय से इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी इस रोग से हो सकती है। यानी कि बहुत तेज कपकपी जो है जिस पदार्थ के कारण होता है वह है हीमोजोइन नामक पदार्थ। यहाँ पे रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है? तो यही प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है रिलीज करता है। तो यही इसका जो है जीवन, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। क्या? तो ये जो है मच्छर के लार्वा में आया, मच्छर के लार्वा में, उसके बाद से जो है मच्छर ने काटा मनुष्य को तो मनुष्य के शरीर में आ गया, उसके बाद से टारगेट किया कहाँ पे? तो हम लोगों की यकृत में है, और यकृत में पहुँच करके यकृत की एक सेल होती है कफर सेल, उसको टारगेट करता है और वहाँ पे जो है अपनी संख्या बढ़ाता है, और उसके बाद जैसे ही यह कफर सेल को नष्ट करता है, बाहर निकल आता है, चला जाता है कहाँ पे? तो रेड ब्लड कार्पल्स में, यानी कि आरबीसीएस में, और वहाँ पे जो है क्या करता है? तो यह अपनी संख्या बढ़ाता है, और संख्या बढ़ाने के बाद क्या करता है? तो रेड ब्लड कार्पल्स को भी नष्ट कर देता है, एक प्रकार का वहाँ पे टॉक्सिक पदार्थ, विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जिसका नाम है हीमोजोइन, और हीमोजोइन के कारण ही हम लोगों को ये इसका लक्षण प्रकट होता है, जिस कारण कि कपकपी और तेज बुखार आता है। कपकपी और तेज बुखार कई बार पूछ चुका है कि किस पदार्थ के कारण मलेरिया रोग में किस पदार्थ के कारण कपकपी व तेज बुखार आता है? तो वह पदार्थ है कौन सा? हीमोजोइन। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि मलेरिया रोग का जो लक्षण है, जैसे कि कपकपी और तेज बुखार, वो किस पदार्थ के कारण होता है? तो वह पदार्थ है कौन सा? तो हीमोजोइन। कौन सा पदार्थ है? तो हीमोजोइन। अब क्या हुआ, व्यक्ति संक्रमित हो गया, व्यक्ति में मलेरिया रोग हो गया। अब कोई सामान्य मच्छर व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति में से उसका जो रोगजनक है, पैथोजेन है, वो क्या होता है? तो उस मच्छर के लार्वा में चला जाता है, सामान्य एनाफिलीज मच्छर के लार्वा में, मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा में चला जाता है।
उसके बाद से अब वह मच्छर भी हो गया संक्रमित, और मच्छर संक्रमित हुआ तो फिर वह जिसे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा उसको भी यह मलेरिया रोग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मच्छर से जो है मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस तरह से हम कहें तो इस रोग के दो पोषद होते हैं, प्राथमिक पोषद मनुष्य और द्वितीयक पोषद दो जो है क्या होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी कि इसके दो पोषद हैं, प्राथमिक पोषद क्या है तो प्राथमिक पोषद है मनुष्य, और जो द्वितीयक पोषद है वह क्या है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर तो इसका जीवन चक्र जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है जो दो जीवों में पूरा होता है, दो पोषदों में पूरा होता है, एक को कहते हैं प्राथमिक पोषद जो है मनुष्य और दूसरा है द्वितीयक पोषद जो है मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी कि जिस मनुष्य को हुआ रहता है मादा एनाफिलीज स्वास्थ्य मच्छर यदि काटता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है, और उसके बाद से फिर वह स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको भी मलेरिया रोग हो जाएगा। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है, किसका तो प्लाज्मोडियम का, एक व्यक्ति से मच्छर में और मच्छर से व्यक्ति में। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। अब जो है हम जानेंगे क्या तो इससे बचने के उपाय क्या किया जाए। यहाँ पे जो है हम लोगों ने जाना कि मच्छर के काटने से ये जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है तो शरीर में कपकपी होता है और तेज बुखार होता है। लक्षण क्या तो कपकपी और तेज बुखार ये जो है मलेरिया रोग का लक्षण है। अब बचने से उपाय क्या किया जाए कि यह रोग ना हो, कौन सा उपाय किया जाए कि मलेरिया रोग ना हो। तो क्या है? एक प्रकार का ये संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, और ये जो है घातक रोग है, और घातक रोग होने के कारण जो केंद्र और राज्य सरकार हैं वो जो है इसके लिए अनेक तरह का कार्यक्रम टीवी और रेडियो के माध्यम से चलाए हुए हैं कि उन उपायों को सुन करके, उन उपायों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं तो मलेरिया रोग से बच सकते हैं। जैसे कि ये कौन कौन सा उपाय है तो आसपास के जो तालाब या गड्ढे हैं छोटे छोटे उनमें पानी एकत्रित न होने दे। यदि पानी एकत्रित रहेगा तो उसमें मच्छर का लार्वा फैलेगा, यानी कि मच्छरों की संख्या में वृद्धि होगी, और आसपास के जो लोग होंगे उनको यदि मच्छर काटता है उसमें एक भी ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर होता है तो उस जिसको भी काटेगा उसको जो है यह रोग हो जाएगा। तो इसलिए जो है आसपास के जो तालाब या गड्ढे हैं उसमें जो है पानी जमा होने न दें। यदि ऐसा तालाब है जिसमें पानी जमा होता हो उसको हटाना जो है उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो यदि ऐसा है तो उस तालाब में जो है मच्छरों के लार्वा खाने वाली मछलियों को या बत्तखों को डाल देना चाहिए। जैसे कि मच्छरों के लार्वा खाने वाली मछलियाँ हैं गैम्बुसिया, उसको जो है डाल देना चाहिए, या उसमें बत्तखों को छोड़ देना चाहिए जो क्या करे उन मच्छरों के लार्वा को खा करके नष्ट कर दें। यानी कि गैम्बुसिया और बत्तख क्या करते हैं तो पानी में मच्छरों के लार्वा को खा करके नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात कि जो घरों में कूलर होता है उसमें पानी जो है 2-3 दिन पर बदलते रहे, यानी ज़्यादा समय तक उसमें एकत्रित रहने दें। इस कारण से भी उसमें मच्छरों की संख्या में वृद्धि होगी, मच्छरों के लार्वा में वृद्धि होगी, और जिस कारण कि यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि कूलर में जो पानी है 2-3 दिनों के बाद जो है बदलते रहें, ये करें। दूसरी बात कि घर से बाहर निकलते समय मच्छरों के मारने वाला क्रीम लगा करके चलें। जब भी रात के समय जो है घर से बाहर निकलें या कभी भी, तो जहाँ पर भी खुला हुआ एरिया है शरीर का वहाँ पे जो है मच्छरों का क्रीम जैसे कि ऑलआउट आदि आते हैं उसको लगा करके बाहर निकलें। मच्छरों को मारने वाले दवाओं का प्रयोग करें, क्रीम का प्रयोग करें, उसके बाद से मच्छरदानी का प्रयोग करें। यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे कि मच्छर ना आए पास में और यह रोग न फैले। उसके बाद से एक मुख्य है कि मच्छर को मारने के लिए DDT
का यूज़ किया जाता है। DDT एक प्रकार का कीटनाशक है और इसका उपयोग जो है पहले किसान जो है खेतों में कीटनाशक के रूप में छिड़काव करते थे। DDT जो है मच्छर के लार्वा को तो मार देता है, लेकिन ये जो है वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही घातक पोल्यूशन फैलाता है। क्यों? क्योंकि ये अपघटित नहीं होता है, यानी कि यह जो है बायोडिग्रेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेबल है, यह अपघटित नहीं होता है, जमा होते रहता है। जो DDT है इसका उपयोग पहले किसान करते थे खेतों में कीटनाशक के रूप में, इसका उपयोग करते थे, जो फसल पे कीट लगते थे उसको ये नष्ट कर देता था, लेकिन इसके कारण प्रदूषण होता है बहुत अधिक मात्रा में, और यह जो है अपघटित भी नहीं होता है यह जो है अपघटित भी नहीं होता है, यानी कि बायोडिग्रेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेबल होता है। अपघटित न होने के कारण वर्षा के दिनों में ये जो है जल के बहाव के साथ नदियों में चला जाता है और उस DDT का उपयोग जो है मछलियाँ करती हैं और मछलियों के अंदर इस तरह से ये DDT चला जाता है और उन मछलियों को जो खाने वाली फिंचेज है, जो चिड़िया है मछलियों को जो खाती हैं, जिस कारण से उन फिंचों में जो है उन चिड़ियों में जो है DDT चला जाता है और उस चिड़िया के अंदर जो है क्या करता है तो यह कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, यानी कि कैल्शियम बनने की क्षमता को जो है कम कर देता है, यानी कि उसमें कैल्शियम नहीं बनता है, बहुत ही कम बनता है, जिस कारण से उन पक्षियों के उन चिड़ियों के जो अंडे होते हैं वे जो है जो अंडे होते हैं बाहर से जो है कैल्शियम का ही कवच लगा होता है सफ़ेद वाला, और उसमें कैल्शियम बनेगा ही नहीं तो कवच जो है कमज़ोर हो जाता है और जैसे ही पक्षी अंडा देती थी क्या हो जाता था तो अंडे फूट जाते थे, जिस कारण से पक्षियों के उत्पादन में कमी हो गई, बहुत अधिक मात्रा में कमी हो गई DDT के कारण से, और इससे जो है पक्षियों की मात्रा में संख्या में भारी गिरावट आई और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया तो इस DDT को बैन कर दिया और अब जो है इस DDT का उपयोग नहीं होता है। तो इतनी सारी बातें हैं जिसमें कि हम लोग जो है अपना करके इन सभी उपायों को अपना करके क्या कर सकते हैं तो आसपास मच्छर पनपने नहीं दे सकते हैं, जिस कारण कि हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये जो भाग है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि समझ में आ रहा है, और दूसरी बात कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने एक डिसीज़ के बारे में जाना जो है मलेरिया, अभी भी बहुत सारे डिसीज़ हैं उन रोगों के बारे में हम लोगों को जानना है, तो उन रोगों के लिए जो है नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बताएंगे। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई मजबूत रखिए और वीडियो देखते रहिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में अपने लिए आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।